हेलो स्टूडेंट्स, तुमको बहुत बहुत स्वागत वन शॉट वीडियो सीरीज रो आउटे नुआ वीडियो रे। तो लास्ट वीडियो रे हमें तो वेक्टर सीखी थिले, तो मते लागु छी तुम बुझी पारथिबो। तो आमे आज सीखिबा कंटिन्युटी हला। कंटिन्युटी कोन? तो कंटिन्युटी जानिबा पूर्वरु फर्स्ट तुमको किछि लिमिट सीखिबा दरकार, किछि बेसिक। सबु तो एठी पूरा लिमिट करि परिबनि, बट जेति कि तुमर कंटिन्युटी रे यूज आसीबो मु सेति कि तुमको सिखे दउ छी हला। देन आमे आकु बढ़िबा। ठीक छोट कनसेप्ट गुट मुझे स्टार्ट करुच्ची। ह्वाट इज लिमिट? लिमिट कौन? लिमिट ना कंटिन्यूटी तो हमन। तो देख, लिमिट्र कनसेप्ट एक्चुअली केतले बाहरी थिला, जदि भाविन आम पाखे एफ अफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स माइनस वन अच्छे, गोटे फंक्शन अच्छे। तो ये जदि मु तुमको कहबी ह्वाट इज द वैल्यू अफ एफ अफ वन, ह्वाट इज द वैल्यू अफ एफ अफ वन, तो ताले कहिबा एफ अफ वन तो ये बाहरी बिकज एक्स जगह जो वन पकेबा ताले अनडिफाइन हो। दैट मीन्स एफ अफ वन इज अनडिफाइन। तो एबे आमे कौन जान ले जे ए फंक्शन जेतेले एक्स इज इक्वल टू वन हम फंक्शन किसी वैल्यू दबनी है। तो ये गोटे कनसेप्ट कौन देखागला जे एक्स इक्वल टू वन तो फंक्शन किसी वैल्यू दौनी, बट जदि एक्स को आमे जदि वन पाखो को नबा ला, एक्स को जदि वन पाखो को नबा जहाँ को लेखा जाए एक्स एरो मार्क वन, दैट मीन्स एक्स टेंस टू वन, ताहले ए जो फंक्शन अच्छी से कहाँ पाखो को जीवो, एटा आमे जानिबा पई चेष्टा करिबा हला। दैट इज कॉल्ड द लिमिट हला। जहाँ को आमे जदि लेखिबा मैथमेटिकल फॉर्म में लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स केते हबो आमे जानिबा पई चाहुचु, बिकज एक्स इक्वल टू वन पकेले तो अनडिफाइन होची हला। एबे जे एक्स जदि वन पाखो को जीवो ताले एफ एक्स रो वैल्यू केते हबो, एमिति नो जे आमे सब बेले जानि पारबा जे एक्स जदि वन पाखो को जीवो एफ एक्स रो वैल्यू केते हितबो, एफ एक्स कहा पाखो को जीवो ताकु ही कौन कहा जाए लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज भाभी ने किसी उटे एल आसला, दैट मींस एक्स को जदि वन पाखो को नबा एफ ऑफ एक्स ताले एल पाखो को जीवो, ताकु मैथमेटिकली आमे एमिति लेखिबा लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल, बुझी हला। तो एटा के जदि आमे टिके प्रैक्टिकल सिचुएशन रे बुझिबा ताले कोनो भाभी ने देखो उटे बहुत बढ़िया एग्जांपल को जे उटे बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल भाभी ने, तुम्हें दीटा फ्रेंड्स अच्छा, गोटे फ्रेंड हला एक्स आ गोटे फ्रेंड हला वाई, दीटा फ्रेंड अच्छा। से दीटा फ्रेंड सपोज से माने दी जन किछि गोटे कॉज लागि से माने कथा उनांती हला, दीटा फ्रेंड बुझी होची, दीटा फ्रेंड अच्छा जो माने कि कथा उनांती दी जन हला। फिर भी ए जो एक्स फ्रेंड अच्छी से कौन चाहूँगी जे वाई एबे सपोज किसी गोटे टाइम किसी गोटे टाइम से कौन करने चाहूँगी ए वाई कौन करुच्ची जानवापी चाहूँगी कौन कहली सिचुएशन को ध्यान दियो, एक्स कौन चाहूँगी ए वाई किसी गोटे टाइम कौन करुच्ची से जानवापी चाहूँगी। फास्ट कथा ए दीज जेहेतु माने भितर झगड़ा ही जाइए ताहले एक्स तो वाई घर को जाई परिबनि, एटा सियोर होना नहीं। नेक्स्ट ताहले कौन करिबो से कौन करिबो ए एक्स एक्स जाई कि वाई रो घर पाख को जीवो, आउ सेठी वाई रो झरका जोठी अछि ताको घर घर झरका सेठु देखिया पई चेष्टा करिबो जे वाई कौन करूची, सेठी बुझी पाछो कौन कहूची एक्स कौन करिबो वाई घर पाख को जीवो, आउ वाई घर जो झरका अच्छे से माने जस्ट ताको देखिबो जे से वाई कौन कर झरकार हला। तो मे बी सपोज भाभी नियो एक्स जाए कि घर पाख को गला आउ देखिला जे सेठी से वाई से झरकारु भाभी नियो पढ़ुथला हला, ठीक अच्छे। तो एटु पुणी ताकु पूरा जदि माने सियोर जानिबा अच्छे से तो गोटे जगह खाली देखिकि पूरा जानि परिबनि होना नहीं, तापरे पुणी कौन करिबो आउ गोटे पुणी झरका को जाइकी देखिबो सेठु पुणी जदि देखिला नाही से झरकारु भी ताकु देखा गला जे ना से
वाइ कौन करुच्छे पढ़ुची ताले से कनक्लूजन दे पारिबो जे एक्स से टाइम वाई से टाइम रे कौन करुच्छे पढ़ुची हला तो दीटा रास्ता रु जाई देखिला दीटा झरकारु आउ देखिला ये नाही कौन करुच्छे दी साइड देखिला पढ़ुची ताले से कनक्लूजन दे पारिबो जे नाही वाई ए टाइम रे पढ़ुची हला सेम कथा एठी भी हबो मो एबे जस्ट तुमको कहली एक्स इक्वल टू वन रे तो भैल्यू दबन दैट मीन एक्स तो वाई घर को जापर से एक्स इक्वल टू वन बट आम कौन करने चाहूँ फिर भी वाई कौन कर जानापी चाहूँ तो आम एक्स कौन कर एक्स इक्वल टू तो वन हो पार तो एक्स कौन हम वन पाखक जीवर देखो एफ अफ एक्स रैल्यू के मान एफ अफ एक्स कौन करोटा एफ अफ एक्स मान ये भाव दैट इज आवर वाई ठीक तो लिमिट केते ले एक्जिस्ट करे भाविन ये जो देखी गला गोटे फास्ट झरकार देखला जे सेठी पढ़ुची आ गोटे जाइकी सेकंड झरकार देखला ना सेठी टीवी देखुची ताहले ए एक्स केबे कही पारिबनी वाई एक्स गोटे जो स्पेसिफिक टाइम रे कौन करुची पढ़ुची ना कौन टीवी देखुची बट केते ले कही पारिबो जदि दीटा झरकार जदि देखला सेम जिनस ही करुची माने गोटे झरकार देखला पढ़ुची पुणी आउ गोटे झरकार देखला ताकर घर तो सेठी भी देखला पढ़ुची दैट मीन्स कही पारिबो नहीं सही टाइम रे सही वाई पाठ पढ़ुची हला तो सेम कॉन्सेप्ट लिमिट रे भी अछि लिमिट केतेले एक्जिस्ट करे जेतेले तार एलएचएल बाहर थुबो एंड आरएचएल बाहर थुबो देन एलएचएल बाहर थुबो आरएचएल बाहर थुबो एंड दीटा पुणी समान होतबो ताहले जेकी गोटे फंक्शन लिमिट एक्जिस्ट करे माने जो एबे मु कहली माने दीटा झरका फास्ट झरकार देखला सेकेंड झरकार देखला तो जदि दीटा झरकार सेम टाइप रो देखी ताले से कही पारिबो ना से स्पेसिफिक टाइम रे वाई कौन करथला बुझी होची ना सही कांसेप्ट ही तो लिखाई एलएचएल एंड आरएचएल एक्जिस्ट हाँ तुम पुणी कहत सर एक्जिस्ट गोटे कौन तो भावनी फास्ट जो दीटा झरका था फास्ट झरकार देखला से पढ़ुची बट सेकेंड झरकार जिते जा देखापी चेष्टा कला मन कर देखा गलानी से कौन करट मीनस गोटे सैड रु देखी पारे आ गोटे सैड्रु देखी पार्लानी तो आमर कही पार जोटा जो फास्ट झरका अच्छे से भावनी लेफ्ट सैड आउटा सेकेंड झरका कथा कौच से कौन राइट साइड अच्छे दैट मीनस लेफ्ट साइड देखा गला और राइट साइड जो देखा गलानी दैट मीनस एलएचएल एक्जिस्ट बट आरएचएल डज नॉट एक्जिस्ट बुझी हो सिमिलरली एलएचएल आरएचएल दीटा एक्जिस्ट माने लेफ्ट झरकार भी देखा गला राइट झरकार भी देखा गला और जो दीटा जगह समान देखा गला ताहले आमे कही पारिबा से स्पेसिफिक टाइम रे वाई कौन करतबो नि एक्स निश्चय कही पारिबा ठीक तो से जिनस तो ये कहूँ एलएचएल आरएचएल एक्जिस्ट एंड एलएचएल इक्वल टू कौन आरएचएल है तो आमर पुणी एटी कौन दरकार पड़ो एलएचएल डेफिनेशन दरकार पड़ो मु लिखी दूसरी डायरेक्ट आउ तार बेसी मुझे डिटेल जाऊनी तो एलएचएल को एमती लिखा जाए लिमिट एक्स टेन्स टू एफ ऑफ एक्स आईटा जी कह कह एलएचएल आरएचएल ही कहीं रहा बिकज आम जब ये देखा एक्स इक्वल टू ए आउ एठी हमर कर्व जदि अछि y इक्वल टू f ऑफ x तो एठी देखो आमे जदि a पाख को जीवा आमे पाखरे दीटा रास्ता अछि आइदर आमे लेफ्ट साइड उ जाई परबा a पाख को और राइट साइड टू सेति पई हमर केतोटी लिमिट अछि लेफ्ट हैंड आउ राइट हैंड लेफ्ट आडु अप्रोच करी कि जदि आमे f ऑफ x कहा पाख को जाऊ छि सेटा जानिबा दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट आपुनी राइट आडु अप्रोच करले a पाख को एफ एक्स कहा पाख को जाऊटा जो देखाटा को आम कौन कहवा राइट हैंड लिमिट तो एलएचएल डेफिनेशन कौन लिमिट एक्स टेन्स टू ए माइनस एफ अफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो एफ अफ ए माइनस एच सिमिलरली आरएचएल डेफिनेशन कौन आरएचएल डेफिनेशन है लिमिट एक्स टेन्स टू ए प्लस एफ अफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेन्स टू जीरो f of a plus h this is the definition of rhl clear theek a huchi lhl rhl
तो आमर जदि ए केस देखिबा देखो एठी एलएचएल आरएचएल दीटा बाहरिबो जेमिति एक्स इक्वल टू ए सीधा जदि देखिबा सपोज एठी आमर वैल्यू अछि 10 हला तो आमे जदि लेफ्ट साइड रु ए पाखो को अप्रोच करिबा जो एफ ऑफ एक्स वैल्यू से धीरे धीरे का पाखो को अप्रोच करिबो 10 पाखो को पुनी सिमिलरली जदि राइट रु आमे ए पाखो को अप्रोच करिबा ताले एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू धीरे धीरे पुनी 10 पाखो को अप्रोच करिबो दैट मींस एठी लेफ्ट हैंड लिमिट भी 10 आसीबो आउ राइट हैंड लिमिट भी 10 आसीबो दैट मींस लिमिट एक्जिस्ट आउ से लिमिट केते कहिले आमे एठी कोन कहि परिबा नै लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स रो वैल्यू एठी 10 हबो बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड दीटा जो आसुथबा कथा एक्जिस्ट करुथबा कथा माने लेफ्ट हैंड बाहरुथबा कथा राइट हैंड बाहरुथबा कथा आउ दीटा सेम होउथबा कथा ताहाले लिमिट एक्जिस्ट आउ जदि भाबिन लेफ्ट हैंड आसिला राइट हैंड भी आसिला बट अलगा अलगा अछि ताहाले लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट जेमिति कि जदि सपोज हमर डायग्राम एई टाइप रो हिथांता सपोज एमिति आउ एठी एमिति थांता आउ एठी हमर एक्स इक्वल टू ए अछि ताले दिस इज आवर वाई इक्वल टू एफ एक्स आउ एटी मनकर हमर वैल्यू अछि 3 आउ एटी मनकर वैल्यू अछि 5 ताले एठी जेतले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिबा एक्स को ए पाखो को जेतले लेफ्ट साइड अप्रोच करिबा एफ एक्स रो वैल्यू 3 पाखो को जीवो आउ राइट साइड रो अप्रोच करले एफ एक्स रो वैल्यू 5 पाखो को जीवो दैट मींस एलएचएल इज 3 एंड आरएचएल इज 5 दैट मींस लेफ्ट हैंड राइट हैंड बाहरुची बट दीटा समान नो दैट मींस लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट ए केस रे मु कोन कहिबि ना लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स डज नॉट एक्जिस्ट एक्जिस्ट करिबोनी बिकॉज़ एलएचएल आरएचएल बाहला पोरे दीटा अलगा अलगा आसुची हला आ गोटे गोटे सिचुएशन एमिति भी थाए भाबिनियो एई पार्टटा यार नाही खाली एई पार्ट ही अछि दैट मींस एठी खाली लेफ्ट हैंड बाहरिबो और राइट हैंड बाहरिबो सेही केस रे भी लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट बिकॉज़ मु डेफिनेशन कहि छी एलएचएल एंड आरएचएल बोथ एक्जिस्ट तापर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल हबा कथा तो एही केस रे खाली लेफ्ट हैंड बाहरिबो बट राइट हैंड बाहरिबो दैट मींस अगेन लिमिट डज नॉट एक्जिस्ट क्लियर लिमिट डेफिनेशन हला हो तो ए हि गला ताले लिमिट विषय रे किछि आइडिया तो चलो एबे देखिबा कंटिन्युटी कोन देखो कंटिन्युटी कोन कंटिन्युटी मु एथि डेफिनेशन लिखि छी फर्स्ट डेफिनेशन को आसनी फर्स्ट मु रफली कहू छी कोन देखो मु गोटे कर्व ड्रॉ कली एमिति एमिति जेई छी सपोज आ गोटे कर्व ड्रॉ कली तो देखो तमे जो सिंपल ए भितरु कंटीन्यूअस कर्व कोटा ऑब्वियसली फास्ट बिकॉज़ मु जेतले फास्ट ड्रॉ कली माने मु मार्कर को पूरा कंटिन्यू चल लिखि चलली ड्रॉ कली बट एठी जेतले मु सेकंड कर्व ड्रॉ कली सेठी मते कोन करबा को पड़ला मते कर्व जेतले ड्रॉ करबा को हला मते मार्कर को उठिया को पड़ुची दैट मींस दिस कर्व इज ए डिसकंटीन्यूअस कर्व बिकॉज एठी गैप सब अछि हला तो जदि फंक्शन रो ग्राफ रे गैप रहिला ताले सेही फंक्शन कोन हबो गोटे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हबो आउ जदि फंक्शन रो ग्राफ रे किछि गैप नाही ताले से कोन हबो कंटीन्यूअस फंक्शन हबो एबे क्वेश्चन हला कोन आमे कंटिन्युटी पई कोन सबले ग्राफ काटिबा ना दरकार नै आमे किंतु एठी कोन करिबा ए जो ग्राफ रु कोन ऑब्जर्व करूछु ताकु देखि कि आमे कंटिन्युटी डेफिनेशन लिखिया पई चेष्टा करिबा तो फर्स्ट कथा ए जो कर्व जो अछि ए कर्व किछि गोटे इंटरवल डिफाइन हेतिब जेमति कि भाबिन एटा ए इंटरवल डिफाइन छि एतेरु एते भीतर हला तो एठी ताले आमे जो देखिबा एठी बहुत पॉइंट अछि जोथरे फंक्शन डिफाइन हे छि तो आमे कोन करिबा फर्स्ट सिखिबा जे गोटे फंक्शन गोटे पॉइंट रे केतेले कंटीन्यूअस होय बुझिलो कोन कहूछि फर्स्ट कोन देखिबा गोटे फंक्शन गोटे पॉइंट रे केतेले कंटीन्यूअस होय दैट मींस आमे फर्स्ट देखिबा एटा कंटिन्युटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट ठीक हां तो चलो देखिबा कंटीन्यूअस केतेले हेबो गोटे फंक्शन गोटे पॉइंट रे देखो मु तपमो को गोटे सिंपल डेफिनेशन कहू छी देन मैथमेटिक्स को आसीबा
देख मु एठी किछि कर्व ड्र करूची जेउठु आमे कनक्लूजन ड्र करिबा। देख ए गोटे मु कर्व ड्र कलि, सपोज दिस इज ए कर्व, एठि एक्स इक्वल टू सी अछि, एटा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एंड दिस इज आवर ओ, एंड दिस इज आवर कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट एठी देख आ गोटे एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एठी आ गोटे मु ड्र कलि एमती हे कि अछि, दिस इज आवर एक्स इक्वल टू सी, एंड दिस इज आवर वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हला नेक्स्ट देखो आ गोटे कर्व ड्र करूछि, एठी देखिबा सपोज एक्स इक्वल टू एक्स डैश वाई वाई डैश, एंड देखिबा एक्स इक्वल टू सी, देन नेक्स्ट केस दिस इज वाई इक्वल टू एफ एक्स। नेक्स्ट वन इज सपोज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एंड दिस इज ओ, सपोज दिस इज लाइक दिस, दिस इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज एक्स इक्वल टू सी। चलो देखिबा फर्स्ट फर्स्ट केस रे देखिबा, देखो एठी ए जो फंक्शन रो जदी ग्राफ देखिबा एक्स इक्वल टू सी रे एई फंक्शन तुमको कंटिन्यूअस हेइथिबो ना हेइथिबोनी तुम्हें डायग्राम देखिकि कहो, मु जई तुमको पचारिबी। ऑब्वियसली दिसुची एठी एक्स इक्वल टू सी सीधा ए कर्व रे कोनोसी जगह रे गैप नाही, मु जस्ट तुमको कहूतली जदी गैप अछि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हेइथिबो। तो एक्स इक्वल टू सी रे सीधा जदी देखिबा एठी आमर कोन होईची किछि गैप नाही, दैट मीन्स एई फंक्शन एक्स इक्वल टू सी रे कोन होईथिबो कंटिन्यूअस बाध्य होईथिबो। एटा खाली आमे ग्राफ देखिकि ऑब्जर्व करिकि कहिले बिना मैथमेटिक्स रे, मैथमेटिकल डेफिनेशन किछि नै हला, जस्ट ग्राफ आमे ऑब्जर्व करिकि। नेक्स्ट एबे देखिबा सेकंड केस रे, सेकंड केस रे कोन होईची एक्स इक्वल टू सी सीधा रे देखो गोटे होल अछि, कोन अछि गोटे होल अछि, ताले केबे कंटिन्यूअस हबो एठी चांस नै कैना होल ही है जी। ठीक हो ए दीटा को ऑब्जर्व करिबा कंटिन्यूअस एठी काही की हला, फर्स्ट कथा जदी भाबिनो एठी तमे जदी एठी चली चली जीबा एठी एक्स इक्वल टू सी सीधा फर्स्ट कथा आमे सेठी ठिया हेई परिबा ना नै, बिकॉज एठी गैप नै ताले ठिया ही हबो। बट एई केस रे देखो तो एठी कोन होई छी गोटे होल ही है जी। तो मु तमको जदी कहबी जो तो एक्स इक्वल टू सी जगह रे ठिया हुओ फंक्शन रे ताले ठिया ही हबनी, बिकॉज एठी कोन होई छी गोटे होल अछि। ठीक तो फर्स्ट पॉइंट ताले कोन गोटे फंक्शन कंटिन्यूअस सेवा पाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो पॉइंट एक्स इक्वल टू सी आमे एठी डिस्कस करूचू सेई पॉइंट रे फंक्शन डिफाइन हबा कथा, फंक्शन कोन हबा कथा डिफाइन हबा कथा, डिफाइन हबा कथा माने फंक्शन वैल्यू किछि आसुथबा कथा, जदि फंक्शन वैल्यू किछि आसिबनी ताहले एई टाइप रो होल हे जीवो सेठी, जेमिति कि f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय x सेठी जदि मु f ऑफ 0 बाहर करबी 1 बाय 0 इज अनडिफाइन, दैट मींस f ऑफ x इक्वल टू 1 बाय x रो जहा भी कर्व थाउ से 0 रे गोटे होल थिबो। ठीक तो सेति पई देखो एठी डेफिनेशन कहिला कोन f of x is said to be continuous at a point x equal to c if first point f of c is kona define, first f of c define hoba kotha, define jodi hela function re au whole hobani ta graph re, seti pai first point houchi se ebe question hela kona sei first point re continuous sobole hobo na semiti emiti necessary no hobo boli, jemiti ki ei case jodi dekhiba एठी देखो x इक्वल टू c सीधा एठी तो होल अछि बट c एठी डिफाइन हेइ छि, देखो उपरे डिफाइन हेइ छि एठी डिफाइन हेइ छि त माने हला, बट एठी भी फंक्शन कंटीन्यूअस नहि, सिंपल जदि कहिबा x इक्वल टू c रे केतेले फंक्शन कंटीन्यूअस हबो ता जदि ग्राफ आमे देखिबा से ग्राफ रे फर्स्ट x इक्वल टू c पॉइंट तमे छिडा हि पारथुबो आउ सेठु पुणी तमे आगकु भी बढ़ी पारुथुबो आउ पछकु भी जाई पारुथुबो हला विदाउट जंप, जंप करिवाकु पड़िबनि जेमिति
एठी जदि देखिबा आमे x इक्वल टू c रे आमे एठी ठियाई परिबा आ एठु आगो को भी जाई हबो पछो को भी जाई हबो विदाउट जंपिंग दैट मींस दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c आ जतले आमे ई सेकंड केस रे देखिले फर्स्ट कथा x इक्वल टू c रे ठिया ही होउने दैट मींस दैट फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू c हला बट एबे जदि ई फोर्थ केस देखिबा ई जदि फोर्थ डायग्राम को देखिबा एठी x इक्वल टू c रे ठिया ही हबो दैट मींस फर्स्ट कंडीशन तो सटिस्फाई करिवो f ऑफ c इज डिफाइन बट दैट इज नॉट एनफ फॉर कंटिन्युटी ऑफ दैट x इक्वल टू c ठिया ही हला बट जदि जदि मु एठु आगो को किंबा पछो को जीवा पई चाहिबी कर्व रे ताहले देखो मु आगो को जीवा हले एठु पुनी मते जंप करिया को पड़िबो कर्व उपरे जीवी ना मु कर्व उपरे जाउची तो आगो को जीवा हले मते पुनी एठु जदि एठी मु ठिया हिचे x इक्वल टू c रे एठी आग को जंप करिबी पछकु हेले पुनी पछकु भी जंप करिबी ठीक तो सेति पई कोन कहिला जे नै जो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो अछि से एग्जिस्ट करिबा कथा एग्जिस्ट करिबा कथा माने लिमिट केतल एग्जिस्ट करिवो LHL बाहरुतबो RHL बाहरुतबो समान होतबो हला एबे देखो एही केस रे जदि देखिबा x इक्वल टू c रे तो छिडा ही परिबो तमे हला आउ एठी जदि हमें RHL कथा कहिबा RHL तो एठी भाबिनो एही जगह रे अछि हमरो 7 आउ एठी अछि 3 तो एठी जदि मो RHL बाहर करिबी 7 आसीबो बट LHL बाहर करले 3 आसीबो दैट मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आउ एठी तमे देखि परछो हमें c रे ठिया ही परिबा आगो को तो बढी हबो बट पछो को जीवा पई मते पुणी जंप करबा को पड़िबो जेमिति जंप हबा कथा न ठिया ही होतबो आगो को भी चली चली जाई परथबो पछो को भी जाई परथबो ताहले ही कंटीन्यूअस हबो तो एही केस रे देखि परछो c रे तो डिफाइन हेछि माने ठिया ही हबो बट आगो को जाई होउछि बट पछो को जाई होउनी दैट मींस एट केस रे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो सेति पई सेकंड केस कोन कहिला लिमिट भी एग्जिस्ट करबा कथा लिमिट एग्जिस्ट करबा कथा माने आगो को भी जाई हबो पछो को भी जाई हबो विदाउट जंपिंग बिकॉज़ LHL इक्वल टू RHL बुझी होउछि ठीक हो तो एही केस रे जदि देखिबा एठी देखो आगो को जाई हबो पछो को जाई हबो दैट मींस एही केस रे लिमिट एग्जिस्ट करूछि एही केस रे लिमिट एग्जिस्ट करूछि फिर भी आमे एही केस रे पुणी देखि पारुछु लिमिट एग्जिस्ट कोला परे भी एठी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एही केस रे सी डिफाइन बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ एही केस रे लिमिट एग्जिस्ट सी भी डिफाइन फिर भी फंक्शन कंटीन्यूअस न हो तो सेति पे आ गोटे पुणी पॉइंट कहिला कोन जहा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x जो आसीला से f ऑफ c संगे रे समान हबा कथा एठी जदि देखो एही होल रे भाबिनो हमरो वैल्यू अछि 5 आउ 8 जो वैल्यू से भाबिनो 7 दैट मींस एठी f ऑफ c होची 7 आउ जदि लिमिट बाहर करिबा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x से कोन हबो हमरो लेफ्ट आडू आसीले हमें 5 पाखो को जिबा राइट आडू आसीले 5 पाखो को जिबा तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x एठी केते आसीबो 5 आसीबो तो एठी देखि पारुछो जहा लिमिट आसीला से f ऑफ c संगे समान हो सेथि पई तो c रु हमकु आकु पुनी जंप करिवा को पड़िबो पछो को भी जंप करिया को पड़िबो हला सेथि पई कहिला नहीं लिमिट डिफाइन तो हबा कथा माने ठिया ही हबो तापर लिमिट एग्जिस्ट माने आकु पछो को जाई हबो तापर पुनी कोन जहा लिमिट आसीला से f ऑफ c संगे माने जोटु ठिया हिचु सेटु ही आगो को आउ पछो को जाई होतबो ना कि जंप करिया को पड़ुतबो जेमिति कि एठी आमे आगो को ठिया हि कि पुनी आगु पछो को जदि जीवा को हबो एठी ठिया हि कि मते जंप करिया को पड़ी पड़ुची एठु भी पछो को गले जंप करिया को पड़ुची बट एई केस रे जदि देखिबा देखो एठी आगो को भी जाई हबो पछो को भी जाई हबो x इक्वल टू c रे छिडा भी हेई हबो तो एठी जदि आमे देखिबा लिमिट कथा एठी भाबिनो अछि 8 दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x फाइन कोले केते आसीबो 8 आसीबो लेफ्ट आडू भी 8 पाखो को जीवो राइट आडू भी 8 पाखो को आ f ऑफ c रो वैल्यू भी केते अछि 8 तो सेति पई तो ए फंक्शन कोन अछि कंटीन्यूअस अछि तो कंटीन्यूअस सेवा पई काहे के ई तीनटा पॉइंट लेखाई छि बुझियला f ऑफ c फर्स्ट डिफाइन हबा कथा लिमिट एग्जिस्ट करबा कथा खाली लिमिट एग्जिस्ट कोले हबनी से पुनी कोन हबा कथा f ऑफ c संगे सेम हबा कथा जदि सेम न हबो लिमिट एग्जिस्ट कोला परे एमिति सिचुएशन हि लिमिट बाहला बट f ऑफ c साइन समान हो तो जंप करिया को पड़ी
ହେଲା। ତ ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେବାର ଡେଫିନେସନ। କ୍ଲିୟର? ତ ଚାଲ ଏବେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଫଙ୍କସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଲେଖିଛି, ଏହିସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଲା ଚେକ୍ ଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଏଟ୍ ଦେୟାର୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟସ। ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଯେ ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ କହିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେବ ନା ହେବନି, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଯଦି କରିବା ଏନ୍ସର୍ ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ପୁରା। ଦେଖ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଅଛି ଆମର ମଡ୍ ଏକ୍ସ, ହେଲା। ତ ଡେଫିନେସନକୁ ମନେ ରଖିବ, ଡେଫିନେସନ୍ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଏଫ୍ ଅଫ୍ ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଡିଫାଇନ୍ ହେବା କଥା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ସି, ସି ହେଉଛି ସେଇ ଜିରୋ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ସି ଡିଫାଇନ୍ ହେବା କଥା, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ସେ ଡିଫାଇନ୍ ହେବା କଥା। ଡିଫାଇନ୍ ହେବା କଥା ମାନେ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ କିଛି ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଥିବା କଥା, ହେଲା। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ଫାଇନ୍ କରିବା, ତ ଜିରୋର ମଡ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଂ ବଟ୍ ଜିରୋ, ତ ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ସି ଇଜ୍ ଡିଫାଇନ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କମ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ସି ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ତ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କେମିତି କରିବ? ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଲିମିଟ୍ କେତେବେଳେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବ, ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବାହାରୁଥିବ, ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ବାହାରୁଥିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଉଥିବ, ହେଲା। ବଟ୍ ଏମିତି ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ବିନା ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ କରିପାରିବା, ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ମୋତେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତମେ କହିବ ସାର୍ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲିମିଟ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ବି ଅଛି ଯାହାର ଆମେ ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଲିମିଟ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରୁ। ମୁଁ କହିବି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନମ୍ବର ଆଇ ଭି ଆଉ ଭି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି କରିପାରିବା ୱିଥଆଉଟ୍ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରାଯାଏ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଯେହେତୁ ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମଡ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି, ମଡ୍ ଏକ୍ସ ଏହା ପାଇଁ କେମିତି କିଛି ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ନାହିଁ ଲିମିଟ୍ରେ, ତ ଆମକୁ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି। ତ ଚାଲ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଫାଇନ୍ କରିବା। ତ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ? ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ର ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛି ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍, ହେଲା। ଆଉ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍। ତ ଏଠି ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ମାଇନସ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜିରୋରେ ଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍, ତ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ, ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍। ଏ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ସେଇ ଏ ଆମର ଜିରୋ। ତ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍, ତ କେତେ ଲେଖିବି, ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍, ଯାହାକି କେତେ ଆସିବ, ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍, ଏଫ୍ ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଥିଲା, ମଡ୍ ଏକ୍ସ, ତ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ କ'ଣ ହେବ, ମାଇନସ୍ ଏଚ୍ ର ମଡ୍, ଯାହାକି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଓନ୍ଲି ଏଚ୍। ଏବେ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଯଦି ଏଚ୍ ଜିରୋ ପାଖକୁ ଯିବ, ଏଚ୍ ବି ତ ଜିରୋ ହିଁ ପାଖକୁ ଯିବ, ତ ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍। କେତେ ସିମ୍ପଲ, ହେଲା। ସିମିଲାରଲି ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଯଦି ଫାଇନ୍ କରିବା, ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ତ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ, କାହିଁକିନା ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ, ତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍, ଠିକ୍, ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଏଚ୍, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଲିମିଟ୍ ଏକ୍ସ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ପଲ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଫ୍ ଅଫ୍ ଏଚ୍ ମାନେ ଏଚ୍ ର ମଡ୍, ଯାହାକି କେତେ ହେବ, ଓନ୍ଲି ଏଚ୍, ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଚ୍ ଓନ୍ଲି, ଏଣ୍ଡ ଲିମିଟ୍ ଏଚ୍ ଟେନ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ଏଚ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, ଜିରୋ, ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏଲ୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ଏଚ୍ ଏଲ୍,
लेफ्ट हैंड लिमिट तो हले कौन हला राइट हैंड लिमिट संगे इक्वल हला तो LHL इक्वल टू RHL हला माने आमे कहि परिबा एठी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करूची आ से केते आसुची LHL भी 0 आसीला RHL भी 0 आसीला माने लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x रो वैल्यू केते ठीक ताले f ऑफ c डिफाइन हला आ लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x भी एग्जिस्ट कला तो कंटिन्यूटी जो पॉइंट और दीटा पॉइंट तो ताले सटिस्फाई कला नेक्स्ट देखिबा थर्ड पॉइंट जे लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x कोन होबा कथा f ऑफ c संगरे समान होबा कथा तो f ऑफ c केते ठी f ऑफ c माने f ऑफ 0 जहा की केते 0 आ देखि पारु छ हमरो लिमिट ताले कहा संगरे पुनी समान आसी f ऑफ 0 संगरे माने जो डेफिनेशन रे लेखिथिले f ऑफ c संगरे समान आसी दैट मींस मु कहि परबी हेंस f ऑफ x इज कोन कहि हबो इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 रे फंक्शन कोन अछि कंटीन्यूअस अछि क्लियर बुझियला ठीक हो तो ये हे गला हमरो फर्स्ट क्वेश्चन तमे जे चाहौ छ नोट कर दियो तो चलो आसी बाबे सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन केमिति करबा सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट मु लिखि भी गिवन दैट आ पाखरे fx जहा देछि ताकू लिखि दबा तो fx केते देछि mod x by x if x not equal to 0 and 0 if x equal to 0 एटा देछि आ कोठी हमें चेक करबा छै एठी at x equal to 0 रे फंक्शन कंटीन्यूअस होबो ना होबो सेइटा हमें चेक करबा तो फर्स्ट हमें कोन फाइंड करबा f ऑफ c डिफाइन होबो ना नै दैट मींस f ऑफ 0 फाइंड करबी तो f ऑफ 0 देखो एटी लेखा आइ छी इफ x इक्वल टू 0 हेले 0 होबो दैट मींस f ऑफ 0 केते ला एटी एटी भी लेखि छौ क्लियर दैट मींस फर्स्ट कंडीशन तो सटिस्फाई करबो f ऑफ c इज डिफाइन वाला नेक्स्ट कथा हला लिमिट तो लिमिट पई फर्स्ट तमे देखिबो फंक्शन देखि कि तमको जानिबा दरकार एटी फार्मूला यूज होबो ना यूज होबनी एई क्वेश्चन फार्मूला यूज होबनी तो फार्मूला यूज होबनी माने आमे LHL RHL पुनी फाइंड करिया को पड़िबो तो LHL केमिति फाइंड करिबा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h जानि पारुचो देन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h एबे को फंक्शन यूज करिबा f ऑफ माइनस h माने दैट इज h तो 0 न हो h टेंड्स टू 0 माने माइनस h मींस हमर जो x जाय रे कोन लिखाई छि माइनस x एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0 ताले नॉट इक्वल टू 0 हेले को फंक्शन यूज करबा ऊपर जो फंक्शन अछि मॉड x बाय x तो f ऑफ माइनस h ताले कोन होबो एठी माइनस h रो मॉड बाय माइनस h क्लियर व्हिच इज इक्वल टू माइनस h रो मॉड होची h बाय केते माइनस h एठी h h कैंसिल दैट मींस एठी आसीबो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू आमे जानिचू फर्स्ट इयर रे जे कांस्टेंट और लिमिट केते हुए कांस्टेंट हुए हला डेरिवेटिव 0 हुए लिमिट कथा मु कहू छी हला तो लिमिट केते हुए कांस्टेंट दैट मींस LHL एठी केते आसीबो माइनस 1 क्लियर हला देन नेक्स्ट कम टू RHL RHL पुनी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h ठीक अछि देन लिमिट h टेंड्स टू 0 एठी कोटा यूज करबा h लिखाई छी h इज नॉट इक्वल टू 0 h जेतु 0 न हो दैट मींस आमे फर्स्ट फंक्शन यूज करबा दैट मींस मॉड h बाय h जहा कि मॉड h कोले तो h होबो तो h बाय h मींस कैंसिल हो गला तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 होबो दैट मींस हमरो RHL केते आसीबो 1 आसीबो कोन देखिलो LHL हमरो आसीला माइनस 1 आ RHL आसीला 1 दैट मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL ताले कोन हला लिमिट एग्जिस्ट कोला ना एग्जिस्ट कोला नी ताले हमें कोन लिखिबा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट माने जो से लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x एग्जिस्ट कथा कहूतिले सेई कंडीशन ताले सटिस्फाई करूनी एटा सेकंड पॉइंट तो फंक्शन आ कंटीन्यूअस होबो आ होबोनी ताले हमें कोन लिखिबा हेंस f ऑफ x इज नॉट कंटीन्यूअस लेखो
और कौन लिखि पार नॉट कंटिन्यूअस को डिसकंटिन्यूअस भी कहा जाए तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बुझीगला ठीक हो ताले ए होइगला हमर सेकंड क्वेश्चन रो आंसर जो कि हमर देखिले जे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आसीला हला तो चलो एबे देखिबा थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड क्वेश्चन ने कोन देला थर्ड क्वेश्चन ने देला हमर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तमे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फर्स्ट कथा डेफिनेशन जानिबा कथा डेफिनेशन बहुत सिंपल जमीती कि मन कर 1.1 रो मु तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहबी यार ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हो 1 हो तो जानिबा टेक्निक कोन देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन मन रखिबा देखो हमर 1.1 रो केते भीतर अछि 2 भीतर तो देखिबो एमिती जदि पॉइंट वाला संख्या दैछि आ ता ग्रेटेस्ट जदि तुमको फाइंड करबा अछि देखिबो से केते रो केते भीतर रहउछि तो ए जेतु 1 रो 2 भीतर रहउछि तो लेफ्ट आडे की अछि 1 दैट मींस 1.1 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हबो 1 हबो हला नेक्स्ट तुमको मु जदि पचारली 7.3 हां तो फर्स्ट कोन करबो फर्स्ट देखि देबो 7.3 केते रो केते भीतर रहउछि 7 रो 8 भीतर रहउछि तो लेफ्ट साइड की अछि 7 दैट मींस 7.3 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हबो 7 हबो हला देन सपोज माइनस गोटे नंबर अछि -2.3 यार ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.3 केते रु केते भीतर अछि रियल लाइन रे देखि दबो -3 रु -2 माने नै -3 रु -2 ताले लेफ्ट आडे की रहिला -3 दैट मीन -2 रु 0.3 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हबो -3 बुझेला -4.1 रो केते हबो -4.1 केते रु केते भीतर रहिबो -5 रु -4 तो लेफ्ट रे की अछि -5 ताले -5 हबो हला सिंपल नेक्स्ट तापरे जदि होल नंबर अछि माने 2 2 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केते 2 ओनली होल नंबर रो ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेजे हला तो ए होची ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रो डेफिनेशन तो चलो हमें आसीबा हम क्वेश्चन को तो हमरो कहिला f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x हमको x इक्वल टू 2 रे चेक करबा अछि तो फर्स्ट हमें f ऑफ 2 फाइंड करबा जहा कि 2 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर जे कि 2 ओनली माने नै f ऑफ 2 केते हबो 2 रो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आसीबो तो f ऑफ c ताले डिफाइन ही गला नेक्स्ट तापर LHL RHL फाइंड करबा तो f ऑफ x टेंड्स टू कोन लिखिबी LHL रे 2 माइनस जहा कि एठी कोन हबो h टेंड्स टू 0 हेले 2 माइनस h ए जो a जगह रे एठी 2 अछि ना तो 2 माइनस h हला तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माने आमे एठी कोन लिखिबा हमरो fx केते अछि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अछि तो 2 माइनस h माने 2 माइनस h रो कोन हबो ग्रेटेस्ट इंटीजर हला एबे कथा हला 2 माइनस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कोन हबो एबे जस्ट मु तुमको डेफिनेशन सिखौ दिली तो डेफिनेशन रे आमे देखिबा जे 2 माइनस h केते रु केते भीतर रहइबो एठी 1 एठी 2 एठी 3 एठी 4 एमिति अछि तो 2 माइनस h आ तमे जानिचो h जेतु टेंड्स टू 0 2 माइनस h ताले केते रु केते भीतर रहइबो 1 रु 2 भीतर हो ना नै हला कहिना एज देखो बहुत छोटो वैल्यू तो 2 रु किछि ओटे छोटो वैल्यू जदि सबट्रैक्ट करबा ऑबवियसली से 1 रु 2 भीतर रहइबो तो 1 रु 2 भीतर जदि रहउछि त लेफ्ट रे की अछि 1 दैट मींस 2 माइनस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर कोन हबो 1 हबो हला तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 रो वैल्यू केते 1 तमे जानिचो कांस्टेंट रो लिमिट कोन हुए कांस्टेंट ही हुए तो दिस इक्वल टू मु कोन लिखिबी तो आमे एठी कोन पाइले LHL केते पाइले 1 पाइले सिमिलरली RHL फाइंड करिबा तो एठी 2 प्लस हबो एठी 2 प्लस h हबो ठीक तो 2 प्लस h ले एठी हमरो लिमिट h टेंड्स टू 0 कोन हबो 2 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एबे तमे निजे फर्स्ट वीडियो पॉज करो आ 2 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केते भाइयो पाइ चेष्टा करो तापर प्ले करिके देखिबो जे तमे ठीक भाबिचो ना नै हला तो 2 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस h माने 2 रु 3 भितरे थिबो हला तो एठी लेफ्ट रे की अछि 2 ताले 2 प्लस h रो ग्रेटेस्ट इंटीजर केते हबो हला आ कांस्टेंट रो लिमिट कोन हुए कांस्टेंट दैट मींस हमर एठी RHL जो आसीबो से कोन आसीबो 2 आसीबो तो एठी देखो LHL केते आसतिला 1 आ RHL केते आसिला 2 दैट मींस LHL इज
नॉट इक्वल टू आर एच एल एल एच एल ताले नॉट इक्वल टू आर एच एल हला माने लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स डज नॉट एक्जिस्ट एक्जिस्ट ही करिवनी तो एक्जिस्ट जदी करिवनी दैट मींस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू केते बुझियाला ठीक तो एमिति आमे एई क्वेश्चन करिबा तो एटा हला फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन रा सॉल्यूशन आमे सिखिले एबे एटा थर्ड क्वेश्चन थिला तो एबे सिखिबा आमे फोर्थ क्वेश्चन तो फोर्थ क्वेश्चन केमिति करिबा देखो फोर्थ क्वेश्चन पई आम पाखरे फार्मूला अछि को फार्मूला कहूछि देखो आम पाखरे किछि लिमिट्स फार्मूला अछि तमे ताकु जदि नोट करबो नोट कर दियो सेठी हला लिमिट x टेंड्स टू 0 फर्स्ट फार्मूला sin x / x इक्वल टू 1 सेमिति लिमिट x टेंड्स टू 0 किछि इम्पोर्टेंट लिमिट्स फार्मूला एटा 10x / x इक्वल टू 1 सेमिति आउ अछि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 / x इक्वल टू 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 / x इक्वल टू ln a देन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 / x इक्वल टू e नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x / x इक्वल टू 1 देन लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n / x माइनस a इज इक्वल टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1 हला आ गोटे जदी फंक्शन हमरो पॉलिनोमियल फंक्शन हिथिबो fx जदी को फंक्शन हिथिबो पॉलिनोमियल फंक्शन हिथिबो ताहले ताहले लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू a f ऑफ a हला जेमिति कि तमको सपोज लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 3 दरकार ताले 2x + 3 इज ए पॉलिनोमियल तो x जारे हमें डायरेक्टली 1 पुट करी कि फाइंड करी परिबा जहा कि 5 आसीबो हला तो फंक्शन यदि पॉलिनोमियल फंक्शन दिबो ताले से डायरेक्ट हमें सेटी पुट करी कि बाहर करी परिबा LHL RHL दरकार नै हला ए किछि फार्मूला तो चलो हमें फर्स्ट एबे IV नंबर करिबा तमे जे चाहौ छ एको नोट कर दियो ए सब फार्मूला देखो एबे आईवी क्वेश्चन केमती करिबा आईवी हला फर्स्ट आईवी रे गिवन फंक्शन लिखिबा टिके गोटे सेकंड गिवन दैट आ पाखरे फंक्शन कोन देला fx इक्वल टू sin 3x / x if x not equal to 0 hala then 3 if x equal to 0 etiki deichi to first ame f of 0 find kariba 0 check kariba pai koichi to f of 0 kete lekhai chi if x equal to 0 this value is 3 to 3 he gala then ame eti directly kariba kahi ki kariba because we know that there is a formula limit x tends to 0 sin x / x equal to 1 आमे तार हेल्प नहीं परिबा देखो केमती हेल्प नबा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माने एटी कोटा यूज करबी sin 3x / x तो फार्मूला जो पढ़ीतिलो कोन फार्मूला पढ़ीतिलो ना लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x / x इक्वल टू 1 तो एठी देखो sin x x जारे कोन लिखाई छ 3x आ एठी कोन लिखाई छ x तो sin 3x / 3x तिले 1 ही थांत तमे कहबो सर एटी x टेंड्स टू तो 0 लेखाई छी 3x टेंड्स टू तो 0 लेखाई नी किछि कथा नै देखो मु करू छी फर्स्ट मु अकॉर्डिंग टू फार्मूला मते sin 3x / 3x दरकार तो मु कोन कली sin 3x एटी जो x थिला सेटी गोटे 3 मल्टीप्लाई कर देली तो 3 मल्टीप्लाई कली डिनोमिनेटर रे माने मते न्यूमरेटर रे पुनी गोटे 3 मल्टीप्लाई करबा को पड़िबो एटा तमे स्कूल ले ही जानिछो हला नेक्स्ट एबे देखो एटी 3 गोटे कांस्टेंट तो पूरी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कोन कोची
कॉन्स्टेंट जदि थिबो से कॉन्स्टेंट आकु पळे आसीबो तो एठी की आकु आसी जीवो 3 3 आसी गले बाकी कोन रहिला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x / 3x ला तो दैट मींस sin x / x x जारे 3x लेखाई छी ठीक अछि तो एबे देखो तो फार्मूला देखो फार्मूला भली पूरा हि जाई छी तमे खाली जदि देखिबो एठी x टेंड्स टू 0 लेखाई छी आउ एठी x प्लेस रे हमरो 3x अछि बट एठी x टेंड्स टू 0 अछि हम कोन दरकार 3x टेंड्स टू 0 ताहले पूरा ई फार्मूला भली हि जइबो आउ हमें 1 लेखि परिबा बट एठी 3x न होले भी चलिबो x टेंड्स टू 0 जारे 3x टेंड्स टू 0 काहे कि बिकॉज x टेंड्स टू 0 हेले ऑटोमेटिकली 3x टेंड्स टू 0 होबो एका हला x टेंड्स टू 0 हेले ऑटोमेटिकली 3x कोन जते भी x थाउ से निश्चय 0 होबो हला एटा मने रखिबो तो आमे x टेंड्स टू 0 एठी 3x लेखिबा भी दरकार नै दिस वैल्यू इज डायरेक्टली केते 1 दैट मींस आमे एठी कोन पाइले लिमिट 3 पाइले केते मिलिला 3 बिकॉज दिस वैल्यू इज 1 सो 3 इनटू 1 सो फाइनल इज 3 तो लिमिट ताहले आमे एठी लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x केते पाइले 3 पाइले हला आउ से देखिबा f ऑफ c संगे समान नै f ऑफ c माने एठी f ऑफ 0 आ से भी 3 सो दिस इक्वल टू f ऑफ 0 ताहले एठी लिमिट f ऑफ 0 संगे सेम भी आछि तो मु कोन कहि परिबी f ऑफ x इज कंटीन्यूअस एट केतरे कंटीन्यूअस x इक्वल टू 0 बुझियला ठीक तो ताले हमरो फोर्थ क्वेश्चन भी हे गला तो चलो देखिवा फिफ्थ क्वेश्चन कोन कहूची फिफ्थ रे फर्स्ट फंक्शन कोन देला तो लिमिट फार्मूला सेति पाई तुमको मने रखिबा दरकार लिमिट फार्मूला यदि मने रखिबो ताले किछि नै बहुत इजीली करि परिबो नेक्स्ट कहिला कि tan 5x / tan 3x इफ x नॉट इक्वल टू 0 आउ 5 इफ x इक्वल टू 0 तो फर्स्ट आमे f ऑफ 0 फाइंड करिबा जा कि देखि पालछो 5 देन आमे लिमिट एटी डायरेक्टली पूणी फाइंड करि परिबा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 केते tan 5x / केते tan 3x तो देखिबो जदि एटा पूणी हमर गोटे फार्मूला भनी देखायउची पाखा पाखी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x इक्वल टू 1 तो एठी देखो जदि हमर tan 5x / x थांता ई क्वेश्चन tan 5x / x ताले कोन करिबा tan 5x / x जदि अछि तो 5x संगे जेमिति आमे प्रीवियस क्वेश्चन ने कले 3x / x थिला 3 गोटे तळे मल्टीप्लाई करले ऊपर गोटे 3 तो एठी कोन करिबा एमिति गोटे 5 डिनोमिनेटर रे पुणी गोटे 5 न्यूमरेटर रे पुणी 5 हमर आकु आसी जीवो बाकी जहा वैल्यू रहला से 1 हि जीवो हला तो आमे कोन करिबा ताले ई क्वेश्चन रे एठी बुझेला ना नाही मु कोन कहली जदि x थांता जेमिति प्रीवियस क्वेश्चन ने कले जे tan 3 sin 3x / 3x हला जेमिति 1 हि जैतिला तो 5x / जदि 5x थिबो ताले 1 हबो तो ओटे 5 मल्टीप्लाई करिबा पुनी ओटे 5 ऊपर हला ठीक अछि तो बट हमर एटी क्वेश्चन तो x नाही ना क्वेश्चन एटी कोन लेखाई छि tan कोन लेखाई छि 3x बट तमे जानिछ जदि पाई x हबो ताले इजीली इवैल्यूएट हि जइबो तो आमे एटी कोन करिबा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x / x करिबा पुणी tan 3x / x करिबा गोटे x न्यूमरेटर रे डिवाइड कर देबा देन गोटे डिनोमिनेटर रे काहे की करिबा बिकॉज x हेले हमर फार्मूला रे नै आसी हो बता को इजीली हला देन नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप रे मु लिखि परिबी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x / x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x / x ठीक तो 5x / x दैट मींस एठी आमे पुणी देखो एबे जो ट्रिक सिखि दिले 5x / एठी x जारे मते कोन दरकार पडिबो 5x ताले 1 हि परिबो तो ओटे 5 एठी मल्टीप्लाई कर देबो पुणी एठी ओटे 5 पुणी एठी देखो डिनोमिनेटर रे
tan 3x by x एठी कोनो कोली बुझी ला ना नहीं एटा लिमिट ऑफ fx by gx वाले पूनी अलजेब्रा अछि जे लिमिट ऑफ fx by लिमिट ऑफ gx लिमिट ऑफ fx plus gx हेले भी लिमिट ऑफ fx plus लिमिट ऑफ gx माइनस हेले भी सेही सेम fx into gx हेले भी पूनी सेही सेम लिमिट ऑफ fx minus लिमिट ऑफ gx आ लिमिट ऑफ fx टू द पावर n जदी हिदिबो दैट मींस लिमिट fx रो होल पावर n हला ए सब किछि अलजेब्रा भी अछि अलजेब्रा रो यूज आमे नबा तो एठी न गोटे एठी डिनोमिनेटर गोटे 3 पुनि एठी गोटे 3 ताले एठी 5 हमरो आकु आसी जिवो बाकी रहिबो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x / 5x / तोले पुनि 3 आसी जिवो देन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x / 3x दैट मींस ए वैल्यू तो 1 ही गला तो दिस इज 5 एंड दिस इज 3 सो केते आसीला ताले लिमिट 5 / 3 आसीला तो आमे एठी कोनो पाइले जे लिमिट x टेंड्स टू 0 कोनो f of x equal to 5 / 3 बट देखि पारुचो f of 0 हमरो 5 अछि दैट मींस दिस इज नॉट इक्वल टू f of 0 ताले कोनो लिखिबो हेंस f of x इज डिसकंटीन्यूअस एट x equal to 0 बुझिला केमती कंटिन्युटी चेक करूचे आमे हला बहुत इजी हला एमिति आमे कंटिन्युटी चेक करि पारिबा ठीक अछि तो चलो आ गोटे भी तुमको मो गोटे बोनस आ गोटे क्वेश्चन भी सिखे देउची देखो 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 यदि f of x equal to आमरो थांता क्वेश्चन 2x plus 3 if x less than 1 and 2x minus 5 if x is greater than equal to 1 at x equal to 1 जो दी क्वेश्चन था ता हैला ए टाइप रो क्वेश्चन ही बहुत इजी देखो ए टाइप रो फंक्शन को कहा जाए पीस वाइज फंक्शन लेस देन पाई गोटे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पाई गोटे तो ए टाइप रो जो दी क्वेश्चन अछि ताहले कोन करिबा देखो जो जगह रे तुमको दरकार वीडियो पॉज करो वीडियो आउ नोट कर दियो हैला तो चलो तो मो सांगरे तमे भी जदी नोट खाता नहीं की करूचो ताले पाठ बहुत इजी हि जीवो तमको आ खाली वीडियो देखि की केबे भी पाठ पढिया पई इच्छा बन खाली वीडियो देखिला हला तमे मो सांगरे जदी लेखिबो तुमको इंटरेस्ट लागिबो आ पूरा कंप्लीट वीडियो देखिबो नले आधार तमे छाडि देबो एटा मु गारंटी देखि पउछ हला नेक्स्ट vi तो फर्स्ट आमे गिवन दैट ए फंक्शन को पूरा लेखि देबा एज इट इज हला तो हमो कंटिन्युटी कोठी चेक करबा छि 1 रे तो फर्स्ट हमें f ऑफ 1 बाहर करिबा तो f ऑफ 1 पई को फंक्शन यूज करिबा पिलान कर कंफ्यूजन एठी सेटा होय तो ए टाइप रो क्वेश्चन रे तो 1 देखो एठी लिखाइ छि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पई लिखाइ छि 2x - 5 तो f ऑफ 1 माने मु को फंक्शन यूज करी ऊपर फंक्शन ना तळ फंक्शन ओबवियसली तळ फंक्शन यूज करी बिकॉज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो f ऑफ 1 माने 2 * x आर 1 2 * 1 - 5 दैट मींस 2 - 5 जाहि केते आसीबो -3 हला दैट मीन f ऑफ c डिफाइन हि गला हला नेक्स्ट एबे या पई किछि फार्मूला नै पीस वाइज फंक्शन माने ता पई एमिति लिमिट रे किछि फार्मूला नै तो LHL RHL हमकु करबा को ही पड़िबो तो LHL करबा तो LHL केमिति करबा लिमिट x टेंड्स टू 1 - f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 - h तो लिमिट s टेंड्स टू 0 एबे पिलान कर पुनी कन्फ्यूजन स्टार्ट हुए कोन कन्फ्यूजन जे 1 - h माने आमे हे जो दीटा फंक्शन अछि को फंक्शन नबा तो देखो 1 - h मींस 1 रु छोटो तो 1 रु छोटो एठी कोटा देखो x इज लेस देन 1 माने 1 रु छोटो ताले ई फंक्शन यूज करबा फर्स्ट फंक्शन को तो 2 * x जारे 1 - h लिखाइ छी तो जोटी x लिखाइ छी सेटी मु केते पुट करबी 1 - h + 3 तो h टेंड्स टू 0 हेले ई 1 - h टेंड्स टू केते हो 1 हो डायरेक्ट x जारे 0 पके दे से शॉर्ट ट्रिक ता हला बट मीनिंग हो छी सेटा h टेंड्स टू 0 हेले ई 1 - h रो वैल्यू कहा पाको को जीवो 1 पाको को दैट मींस दिस इज 1 एंड दिस इज 2 2 * 1 इज 2 + 3 ताले हमें केते पाइबा 5 पाइबा तो LHL हमें केते पाइले 5 पाइले सिमिलरली RHL करिबा त
तो आर एच एल पाई लिमिट x टेंड्स टू कौन करी 1 प्लस एफ ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h 1 प्लस h माने 1 रु बडो 1 रु बडो को फंक्शन अछि एठी 1 रु बडो देखो 1 रु बडो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 1 रु बडो ताले 2x माइनस 5 अछि तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लेस रे आमे कोन लिखिबा 1 प्लस h दैट मींस 2 इनटू 1 प्लस h माइनस 5 तो h टेंड्स टू 0 हले यार वैल्यू तो 2 हबो तो 2 माइनस 5 जहा कि केते आसीबो माइनस 3 तो LHL आसीला 5 आउ RHL आसीला केते माइनस 3 दैट मींस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL LHL इज नॉट इक्वल टू RHL दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x does not exist हला तो does not exist means कौन लिखिबो hence f of x is discontinuous at x equal to 1 हला ठीक अछि तो तुम पई मु दीटा एटी क्वेश्चन दे दउ छी होमवर्क तुम्हें क्वेश्चन करो आ मते कमेंट रे मेंशन करो जे तुम्हारा कंटीन्यूअस आसीला ना कंटीन्यूअस नाही हला गोटे मु एलएचएल आरएचएल करिया को पडुथबो आ गोटे डायरेक्ट लिमिट फार्मूला यूज होतबो से टाइप रो क्वेश्चन दउ छी तो फर्स्ट क्वेश्चन f of x equal to फर्स्ट क्वेश्चन x क्यूब माइनस 8 बाय x माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 2 हला देन 12 if x equal to 2 at x equal to 2 hala continuity check karibo x cube minus 8 by x minus 2 if x not equal to 2 12 if x equal to 2 at x equal to 2 check karibo then second one is f of x equal to check karibo x square plus 1 if x is less than 2 less than 2 non less than likhi diyo less than suppose 3 and 2x plus 5 if x is greater than equal to 3 hala at x equal to 3 check karibo continuous houchi na houni mate comment re mention karibo mu janibi je tame video complete dekhucho thik achi ho तो ये आमे सिखिले कंटिन्यूटी गोटे पॉइंट केमिति चेक करिबा तो मने कोन रखिबो जोठी एलएचएल आरएचएल केतेले करिबा जेतेले आमे पाखरे फार्मूला नथिबो आ जोठी फार्मूला थिबो सेठी आमे डायरेक्टली भी लिमिट इवैल्यूएट करि पारिबा हला तो चलो एबे आमे पुणी एही पॉइंट कंटिन्यूटी उपरे किछि कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करिया पई कोहे किछि सेमिति क्वेश्चन देखिबा चलो अभी आउ किसी एग्जांपल देखिबा सही कंटिन्यूटी रिलेटेड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट तो देखो ओटे एग्जांपल एठी लिखी छी फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इफ x नॉट इक्वल टू 2 एंड k इफ x इक्वल टू 2 तो कोन कहू छी k रो वैल्यू फाइंड करिया पई कहू छी आउ दे छी एठी f ऑफ x जो अछि से कोन अछि कंटीन्यूअस अछि तो केमिति करिबा आंसर रे फर्स्ट आमे तो लिखि देबा गिवन दैट आउ पाखरे जो फंक्शन देइछि f ऑफ x इक्वल टू जहा देइछि आमे लिखि देबा एई फंक्शन को एठी लिखि देबा इज कोन देइछि कंटीन्यूअस देइछि कंटीन्यूअस एट केते x इक्वल टू 2 एटा आमे पाखरे गिवन अछि कंटीन्यूअस अछि माने आमे पाखरे ताले आमे लिखि परिबा जे लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ 2 लेखि हबो जेतु 2 रे कोन अछि कंटीन्यूअस अछि तो एबे लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ ऑफ x माने को वैल्यू पुट करबा एफ ऑफ x हमर जो ऊपर वैल्यू अछि बिकॉज़ x टेंड्स टू 2 माने तमे जानि छो x इज नॉट इक्वल टू 2 तो केते पुट करबा x क्यूब माइनस 8 बाय x माइनस 2 तमे कहबो सर एलएचएल आरएचएल काही कोन नंती बिकॉज़ या पई फार्मूला अछि मु तुमको सिखेली जदि फार्मूला थिबो ताले डायरेक्टली लिमिट फाइंड करबा
आउ जदि फर्मुला नथिबो ताले एलएचएल आरएचएल फाइंड करबा। तो एठी जेतु फर्मुला अछि तो एक्स क्यूब माइनस एट बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ अफ टू जहाँ कि होची के हला। देन दिस इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेन्स टू टू एक्स क्यूब माइनस एट या को आम लिखी परिबा एक्स क्यूब माइनस टू रो क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू केते के बुझी होची। तो एबे देखो या पई गोटे फर्मुला थिला कोन फर्मुला थिला देखो एठी मु लिखि दउची फर्मुला हमर थिला लिमिट एक्स टेन्स टू ए एक्स टू दि पार एन माइनस ए टू दि पार एन बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटु ए टू दि पार एन माइनस वन है। तो मुझे फर्मुला को यूज करी एटी तो एन देख ये किए एन हूँ थ्री ए किए देख ए हूँ टू तो एन इंटु ए टू दि पार एन माइनस वन दैट मीन थ्री माइनस वन इक्वल टू किए। तो ये थ्री इंटु दैट इज टू र स्क्वायर जहाँ कि फोर हम इक्वल टू के। सो दैट मीन्स के इक्वल टू आमको केते मिल जिवो 12। सो दिस इज आवर आंसर बुझी गला ना। ए भी गोटे पॉइंट रिलेटेड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो एबे मु तुमको आउ गोटे एग्जांपल सिखाउछि। देखो नेक्स्ट एग्जांपल कोन कहूछि फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूर्ण के कहला इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है एक्स नॉट इक्वल टू 0 1 प्लस 2 एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स आउ के इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 एटा देछि पूर्णी जेमति लेखिबा वे तो सेई सेम फर्स्ट आमे गिवन दैट लिखी कि हमर जो फंक्शन अछि ताकु आमे लिखि दबा ठीक अछि जहा अछि एज इट इज याकु आमे एठी कॉपी कर दबा। कोन कहिछि इज कोन देछि कंटिन्यूअस देछि कोठी कंटिन्यूअस देछि एट एक्स इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन वी कैन राइट दिस एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 आम एमती लिखी पारिबा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स माने कोटा यूज करी 1 प्लस 2x रो पावर 1 बाय एक्स। देखो एठी भी हमको एलएचएल आरएचएल करिया को पड़िबनी बिकॉज वी हैव अनदर लिमिट फार्मूला दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इक्वल टू e। एटा हम पाखरे फार्मूला ऑलरेडी अछि तो एई फार्मूला रो हमें हेल्प नै परिबा इक्वल टू f ऑफ 0 f ऑफ 0 केते हबो एठी देखो f ऑफ 0 हमर हबो की हला। तो हम एठी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 देख आम फर्मूला देखा फर्मूला आमर अच्छी 1 प्लस एक्स टू दि पावर 1 बाय एक्स बट ये देख 1 प्लस 2x लिखाई पावर 1 बाय एक्स लिखाई। तो आमको कौन करने को पड़ो 1 बाय जो एक्स लिखाई से 1 बाय 2x करा पड़ो से फर्मूला आने पर एक्स टेंड्स टू 0 तुम जाचो से 2x टेंड्स टू 0 लिखा किसी नेसेसरी दरकार नहीं बिकज एक्स टेंड्स टू 0 हेले 2x भी टेंड्स टू 0 ही हम है। तो चलो फर्स्ट आम एटी केमिती कौन एटी 1 बाय 2x आनिबा से सीखा। तो मुझे कौन कर देख पावर रे गोटे 2 मल्टीप्लाय कली गोटे 2 डिवाइड करदेली है। तो 2 बाय कौन है 2x। तो आमको कौन दरकार थिला आमको दरकार थिला लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x रो पावर 1 बाय 2x दरकार थिला। तो ये 2 बाय 2x अच्छी तो मुझे 1 बाय 2x रो पावर 2 लिखीदेली इक्वल टू के बुझी हला ना नहीं ए पॉइंट काही के एमती लिखी पारिली बिकॉज वी नो दैट एक्स टू दि पार एम टू दि पार एन इज नथिंग बट एक्स टू दि पार एम एन। तो सही कॉन्सेप्ट को यूज करके मुझे लिखिली 1 प्लस 2x रो पावर केते 1 बाय 2x रो होल पावर 2 हला। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वी कैन टेक दिस लिमिट इनसाइड आम या भीतर को नहीं पारा। तो लिखी पारा के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x रो पावर 1 बाय 2x रो पावर 2 इज इक्वल टू के। तो एठी ये जो वैल्यू अच्छी यार वैल्यू कौन हम इ तो तार पावर 2 अच्छी दैट मीन्स इ स्क्वायर इक्वल टू के तो के वैल्यू आम के स्क्वायर पाइले के इज इक्वल टू इ स्क्वायर पाइले आम ठीक। तो आमर एठी एमती आम के वैल्यू फाइंड करिबा ठीक अच्छे। तो ये गोटे आउ गोटे एग्जांपल है। तो चलो एवं आउ मु तुमको दीटा आउ भी बढ़िया एग्जांपल
शिखेद देख कहला कौन क्वेश्चन फाइंड दि भैल्यू ऑफ ए कहला इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस टू इफ एक्स लेस देन वन आउ एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन तो पुणी प्रोसेस से ही सेम रही है। फास्ट आम गिवेन दैट लिखा कौन गिवेन दैट लिखा ये जो फंक्शन अच्छी आमर फंक्शन को आम एटी एज इट इज लिखिद इज कौन लिखा कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू के वन एटा फास्ट लिखिद तो यहाँ लिखी सारापर ताल आम कौन लिखिपर देयरफोर लिमिट एक्स टेन्स टू वन एफ अफ एक्स इक्वल टू एफ अफ वन ठीक एवं देख एटी जी देखा ये फर्मूला ना ही आमर तो ये तो फर्मूला तो यूज करहबनी तो जो भी फर्मूला यूज करहबनी आमको कन्स्टांट भैल्यू कही थी से कौन कर देख ये लिमिट एक्स टेन्स टू वन एफ अफ एक्स इक्वल टू एफ अफ वन जो रहा मुझे नेक्स्ट कौन लिखुची देख लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस एफ अफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेन्स टू वन प्लस एफ अफ एक्स इक्वल टू एफ अफ वन तुम्हें कह फास्ट एमती लिखी हम ना ना निश्चय लिखिहब बिकज ये लिमिट तो एक्जिस्ट तो करुव एक्जिस्ट कर मानते एल एच एल आर एच एल जो थी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एफ अफ वन हो राइट हैंड लिमिट भी एफ अफ वन हो तो से मुझे लिखिपाली लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस माइनस एफ अफ एक्स दिस इज एल एच एल वी नो दैट एंड दिस इज आवर आर एच एल इक्वल टू एफ अफ वन यहाँ के यूज करवा जदि आमर जो फंक्शन थी से जदि लिमिट फर्मूलार न थी से केस्रे आम यू यूज करवा है चलो नेक्स्ट एवं देख एबे जो दीटा रहिला एटी आमको कॉन्स्टेंट गोटे कॉन्स्टेंट ही वैल्यू फाइंड करबा अछि तो आमको दीटा लिमिट एटी इवैल्युएट करिया को पड़िवनी माने एल एच एल आर एच एल दीटा करिया को पड़िवनी एटी गोटे ही करिया को पड़िबो तो तुमको फास्ट क्वेश्चन देखि कि जानिबा दरकार जेठी आमे एल एच एल फाइंड करबा ना आर एच एल फाइंड करबा कहा वैल्यू फाइंड करिया पई ए वैल्यू फाइंड करिया पई तो देखो जदि एल एच एल कथा कहिबा एल एच एल मान जान वन माइनस मान वन रु छोट तो वन रु छोट को फंक्शन अच्छी ए एक्स प्लस टू तो जिते एल एच एल फाइंड करवा कहार यूज करवा एक्स प्लस टू आते आर एच एल फाइंड करवा से आम कहार वैल्यू यूज करवा एक्स प्लस थ्री तो आमको कहार दरकार ए दरकार तो ए आम कौ फंक्शन कौ लिमिट फाइंड कला समय आम ए जो फंक्शन अच्छी तार यूज करुचु लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये आम कौन करवा नेक्स्ट स्टेप रे मु कौन लिखी देख कौन लिखुच लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस एफ अफ एक्स मुझे आर एच एल फाइंड करवा कि दरकार नहीं बिकज आर एच एल मत एक्स प्लस थ्री फंक्शन यूज कराया पड़ो जहाँकि मत जेहेतु कही ए वैल्यू फाइंड करवाई तो ए यूज है फंक्शन गोटे मत निश्चय दरकार से देख ली एल एच एल से फंक्शन यूज हो एल एच एल ही फाइंड करवा तो एल एच एल क्या सांगे इक्वाल एफ अफ वन सांगे तो ह्वाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन तो ये देख लिखाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन माने ए फंक्शन आम यूज करवा क्या वैल्यू फाइंड करवाई एफ ऑफ वन फाइंड करवाई तो एक्स जारे केते पुट करवा वन तो वन प्लस थ्री हेले केते ही जीवो इटा फोर ही जीवो हला तो लिमिट एक्स टेन्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू केते फोर बुझेगा ना नहीं एल एच एल कहीं कली बिकज एल एच एल कला समय आम से एक वाला जो फंक्शन अच्छी तार यूज करवा से नेक्स्ट आम जानी डेफिनेशन लिमिट एच टेन्स टू जीरो एफ अफ वन माइनस एच इक्वल टू फोर दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेन्स टू जीरो एफ अफ वन माइनस एच के हम एक्स प्लेस वन माइनस एच पुट करवा तो ए इंटू वन माइनस एच प्लस टू इक्वल टू फोर तो एच टेन्स टू जीरो ए तो ए प्लस टू इक्वल टू फोर तो दिस इम्प्लाइज टू माइनस फोर के टू एत सिंपल इक्वेशन है तो ट्रिक मन रहा ना ए जो ए ट्रिक ए ट्रिक आम के यूज करवा जदि आम पाखे जो फंक्शन दे थ लिमिट इवैल्युएशन डायरेक्ट फर्मूला न थी है तो ये है ट्रिक तो नेक्स्ट एवं आउ गोटे क्वेश्चन करवा जो क्वेश्चन कि दीटा कन्स्टांट भैल्यू केमी फाइंड करवा से शिखा देख क्वेश्चन कहला फाइंड दि भैल्यूज अफ ए एंड बी इफ एफ अफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इफ एक्स लेस देन वन वन इफ एक्स इक्वल टू वन
and 2ax minus b if x is greater than 1 is continuous at x equal to 1. से कहिला ए फंक्शन कौन अच्छी कंटिन्यूअस अच्छी को जगह रे x equal to 1 रे तो हमको फाइंड करबा अच्छी a एंड b रो वैल्यू तो कौन करबा सेही पूर्णी सेम गिवन दैट फर्स्ट हमर फंक्शन लिखि दबा f of x जहां देई छी एज इट इज जहां अच्छी कॉपी करबा इज कौन कंटिन्यूअस एट x equal to 1 ताले हमे लिखि परबा लिमिट x tends to 1 f of x equal to f of 1 so this implies limit x tends to 1 minus f of x equal to limit x tends to 1 plus f of x equal to f of 1 एठी की है 1 हला एबे देखो एठी हमको दीटा कांस्टेंट ऑफ वैल्यू बाहर करबा छी तो एमिति जे दीटा कांस्टेंट दउ छी ताले हमें LHL RHL बोथ फाइंड करया को पड़ीबो तो चलो मु फर्स्ट नो छी लिमिट x tends to 1 minus f of x equal to f of 1 जहां की 1 आछी तो फर्स्ट हमें इटा फाइंड करबा तो लिमिट कोन होबो s tends to 0 f of 1 minus h equal to 1 दिस इंप्लाइज लिमिट s tends to 0 1 minus h माने 1 रु छोटो तो 1 रु छोटो को फंक्शन हमें यूज करबा देखो x इज लेस देन 1 दैट मींस 1 रु छोटो तो फर्स्ट फंक्शन हमें यूज करबा तो a into in place of x we can put 1 minus h रो 1 minus h दैट मींस a x स्क्वायर अछि तो a into 1 minus h रो स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 1 सो दिस इंप्लाइज यदि लिमिट s टेंड्स टू 0 हुए ताले a वैल्यू तो 1 ही जीवो तो केते आसीबो a plus b is equal to 1 सो दिस इज फर्स्ट गोटे रिलेशन मिलिला हमको इक्वेशन दे देबा ता कोटे इक्वेशन 1 देन अगेन नेक्स्ट कोन करबा एठी पुनी आ गोटे अछि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x इक्वल टू 1 पुनी हमें RHL फाइंड करबा दिस इज नथिंग बट आवर RHL तो कोन फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h इक्वल टू 1 नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h इक्वल टू 1 तो 1 प्लस h माने 1 रु बडो को फंक्शन यूज हबो 1 रु बडो कोटा 1 रु बडो अछि देखो एटी x इज ग्रेटर देन 1 तो एई फंक्शन रो हमें यूज नबा तो कोन लिखिबा लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f of 1 plus h दैट मींस 2a into 1 plus h minus b is equal to 1 हला तो h टेंड्स टू 0 होले दिस इज 2a हबो तो 2a minus b is equal to 1 याको आमे आ गोटे इक्वेशन दे देबा तो आ पाखरे देखो दीटा इक्वेशन आसी छि 1 आउ 2 हमकु कोन करबा थिला a आउ b रो वैल्यू फाइंड करबा थिला तो एबे कोन करबा एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करिकि आमे ए इक्वेशन 1 आउ 2 कु ए आउ बी फाइंड करबा तो मु एलिमिनेशन प्रोसेस तमे करि जानि छ मु फिर भी कर दउ छि एटी तो a plus b is equal to 1 आउ 2a minus b is equal to 1 तो आमे जदि दीटा कु ऐड कर दबा ताले 3a is equal to पाइ जिबा 2 सो दैट इंप्लाइज a equal to 2 by 3 हला देन आमे जदि a कु से फर्स्ट इक्वेशन रे यूज कर दबा तो 2 by 3 plus b is equal to 1 सो दिस इंप्लाइज b is equal to 1 minus 2 by 3 तो जहां की आसी जिवो 1 by 3 तो हमरो a वैल्यू आसीला 2 by 3 आ b आसीला 1 by 3 तो ए टाइप रो क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हला बुझी गलो ना ठीक तो एमिति आमे पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चन एमिति करिबा तो चलो पुनी आउ किछि कांसेप्ट सिखिबा नेक्स्ट एग्जांपल लेखिबा देखो एथि कोन कहूछि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इन द फॉलोइंग किछि फंक्शन देला आ कहिला पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी फाइंड करो केमिति करिबा हला कोन करिबा एथि देखो जोटा फर्स्ट क्वेश्चन अछि सेई टाइप रो क्वेश्चन को कहा जाय रेशनल फंक्शन तो रेशनल फंक्शन केतेले माने डिस्कंटिन्यूअस हुए जेतेले ता डिनोमिनेटर जो एक्स वैल्यू लागी ता डिनोमिनेटर जीरो होतबो तो फर्स्ट क्वेश्चन करिबा पई बहुत सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन सेठी हमें कोन करिबा जहां डिनोमिनेटर अछि ताकू हमें जीरो नै जिबा आ फाइंड कर देबा को एक्स पई
ए डिनोमिनेटर जीरो हो तो प्रोसेस से ही रहइबो डिनोमिनेटर को जीरो नबा एक्सपेंड करबा तो एटा गुटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तमे याको सॉल्व करि परिबो तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 एटी x कॉमन नेले दिस इज x माइनस 2 एंड माइनस 1 कॉमन नेले अगेन दिस इज x माइनस 2 इक्वल टू 0 सो दिस इंप्लाइज वी हैव x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इक्वल टू 0 सो दिस इंप्लाइज वी हैव x इक्वल टू 1 एंड 2 बुझेला ताले यार पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी किए कहिले दिस 1 एंड 2 तो ए ट्रिक आमे केतले यूज करिबा जदि आमे पाखरे ओटे रेशनल फंक्शन अछि रेशनल फंक्शन काहा को कहा जे जो फंक्शन p ऑफ x बाय q ऑफ x फॉर्म रे थिबो आ px qx गोटे ओटे पॉलिनोमियल हेथिबे ठीक तो सेठी तमे सिंपली qx को 0 नै जिवो x फाइंड कर दबो जहां x आसीबो दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी तो एठी फर्स्ट क्वेश्चन रे आमे कहि परिबा हेंस the point of discontinuity each r लिखिबा एठी दीटा आछि x equal to 1 and 2 दीटा बुझियला नेक्स्ट चलो देखिबा सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पै कोन ट्रिक यूज करिबा देखो सेकंड क्वेश्चन रे आमको गोटे पुणी गोटे पीस वाइज फंक्शन देछि तो एठी कोन करिवो देखिवो एई फंक्शन एठी देखो x लेस देन 1 बि अछि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बि अछि तो तमको फर्स्ट खाली कोन चेक करिबा अछि एटा को x इक्वल टू के माने को पॉइंट रे फंक्शन अलगा अलगा वैल्यू होउछि अलगा अलगा माने एठी जदि देखिबा x इक्वल टू 1 रो लेफ्ट साइड गोटे फंक्शन वैल्यू अछि आउटे राइट साइड रे तो तमे ओनली कोठी चेक करिवो x इक्वल टू 1 रे पॉइंट कंटीन्यूअस आसी ना डिस्कंटीन्यूअस बुझियला आउ थरे रिपीट करूची एई टाइप रो जदी क्वेश्चन देखिले कोन करिवो देखिवो से जो एठी जे जो देखिवा डेफिनेशन रे 1 रु छोटो हले ई फंक्शन 1 रु बडो हले सेई फंक्शन ताले 1 रो लेफ्ट साइड गोटे फंक्शन काम करूची राइट साइड गोटे फंक्शन तो आमे कंटीन्यूटी खाली कोठी चेक करिवा ओनली 1 रे बाकी सब रे कंटीन्यूअस निश्चय हिदिवो हला जेमति कि जदि मु कहि भी 2 कथा 2 रे निश्चय कंटीन्यूअस हो बिकॉज़ 2 पई हम x plus 1 को ही यूज करिया को पड़िबो सेति पई कंटीन्यूअस हो गोटे फंक्शन ही यूज करिबा बट 1 रे लेफ्ट पई गोटे राइट पई गोटे तो तमे तमे पई मोटा हिंट दउ छी मु करबि नेठी तमे चेक करिबो एठी को जगह रे एट x equal to 1 रे फंक्शन कंटीन्यूअस आसु छी ना कंटीन्यूअस आसुनी जदि x equal to 1 रे कंटीन्यूअस हला ताले कोण कहिबा देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ जदि x इक्वल टू 1 रे डिस्कंटीन्यूअस आसिला ताले द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 1 ठीक आ x इक्वल टू 1 रे कंटिन्यूटी केमिति चेक करियो मु सिखि सारी छी तुमको देखि पर जो एथि लेफ्ट हैंड लिमिट पई x स्क्वायर प्लस ध्यान देखि देखो x इज लेस देन 1 माने 1 रु छोटो हले याकु यूज करिबा तो LHL रे याकु यूज करिबा RHL रे ताकु यूज करिबा हला आउ तमे देखिबो x इक्वल टू 1 रे फंक्शन कंटीन्यूअस आसुचि ना आसुनी जदि आसुथबो कोन लेखिबो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आउ x इक्वल टू 1 आसीले दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्लियर ठीक होगो नेक्स्ट एठी देखिया पुनी थर्ड क्वेश्चन रे देखो को जगह रे चेक करिबो त फर्स्ट वीडियो पॉज करो आउ देखो जे को को पॉइंट रे लेफ्ट आउ राइट रे अलग-अलग फंक्शन हमकु यूज करिया को पड़िबो देखो देखा जाउछ एठी माइनस 3 रो लेफ्ट रे हमकु मॉड एक्स प्लस 3 को यूज करिया को पड़िबो माइनस 3 रो राइट रे माइनस 2x को यूज करिया को पड़िबो सेमिति 3 रो लेफ्ट रे माइनस 2x को यूज करिया को पड़िबो 3 रो राइट रे 6x प्लस 2 को यूज करिया को पड़िबो तो तमे एठी को जगह रे पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करिबो गोटे होची x इक्वल टू माइनस 3 आ गोटे होची x इक्वल टू 3 ए दीटा जगह रे तमे कंटिन्यूटी चेक करिबो जो दीटा रे कंटीन्यूअस आसीला देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी आ जदी कोनोसी जारे आसुची कोन कंटीन्यूअस होउनी ताले कोन कहिबा दैट इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ठीक मते करिबो आ कमेंट कहिबो जे सर एटा मु एग्जांपल कोन 5 दे दउची हमें जस्ट 4 एग्जांपल करथिले तो एग्जांपल 5 रो जो डिस्कंटिन्यूटी कहिची सेठी दीटा क्वेश्चन सेकंड आई और थर्ड आई रे
कौन तुम आंसर आसला है ठीक तो ये ही गला डिसकंटिन्युटी एबे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन जे आमे तो पॉइंट सिखिले पॉइंट पर जदि गोटे फंक्शन टोटल कंटिन्यूअस हेबा पाई कौन हम टोटल गोटे किसी गोटे फंक्शन किसी गोटे जगार डिफाइन होती जमीक भावने गोटे फंक्शन ग्राफ एमती अच्छी आमको सपोज शो करवा अच्छी फंक्शन टा जो जी डिफाइन है भावन ए रू बी एतिकी रे कंटिन्यूअस हम केत कंटिन्यूअस हम सिंपल कथा जदि ये इंटरवल जिते पॉइंट अच्छी सब पॉइंट जदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तेल से फंक्शन टोटल कौन कंटिन्यूअस फंक्शन हम कौन कौन रिपीट कर देख गोटे फंक्शन को आम कंटिन्यूअस फंक्शन के कहवा फंक्शन तो बहुत पॉइंट डिफाइन हो जदि प्रत्येक पॉइंट फंक्शन कौन है कंटिन्यूअस है तेल से फंक्शन को आम कौन कहवा कंटिन्यूअस बुझीला ठीक हाउ तो मु तुमको एग्जांपल भी सिखेबि केमिति करबा बट किसी छोटो रिजल्ट तो मन रखा दरकार जोटा कि एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन तुम जब लिख लिखि दियो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस देन किसी पॉइंट्स लिखा फर्स्ट पॉइंट f of x plus g of x is continuous. Second, f of x minus g of x is continuous. Third one, f x into g x is continuous. Fourth one, f of x by g of x is continuous provided g of x is not equal to zero. Provided g of x is not equal to zero. Then fifth one, f o g of x composition. F o g of x x and g o f of x are continuous. Compose कले भी continuous होगा. That means जोधे दीटा continuous function होची, ताकु add कले continuous, ताकु subtract कले continuous, ताकु multiply कले continuous, ताकु divide कले continuous, ताकु compose कले भी continuous. हैला ये होची आकु algebra of continuous function भी कुआ जाए. हैला हो. तो चलो अभी देखी बा. आमो पाखरे कोहिला suppose question. So that गोटे एग्जाम्पल शिखा कहला सो दैट मोड एक्स इज एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एटा शो करिबा पाई कहिला तो केमिति करिबा तो देख ताहले आमको देखियाको पड़ब ये जो मोड एक्स फंक्शन अच्छी ये जी जगार डिफाइन हो सब पॉइंट कंटिन्यूअस थी हैला केमिति देखा तुम कह सार सब पॉइंट केमिति देखा पॉइंट तो बहुत थी देख मु सिखाऊँ केमिति सिंपल वे रे करिबा तो आम पाखे ये गिवन दैट एफ ऑफ एक्स देला केते मोड एक्स एफ ऑफ एक्स देला मोड एक्स फास्ट आम मोड एक्स रो डेफिनेशन लिखी देवा जोटा कि आम जानी माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैला ताहले जो देखिबा ए जो फंक्शन अच्छी ए टोटल रियल लाइन रे डिफाइन तो है जीरो रु छोटो पाई भी है जीरो रे भी है जीरो रु बड़ो पाई भी है तो आमको सब पॉइंट कौन देखा पड़ब कंटिन्यूअस देखा पड़ब तो करवा केमी देख टेक्निक कौन ने आम कौन करवा लेट एक्स इज इक्वल टू सी नहीं बिलंगस टू आर से गोटे एनी रियल नंबर सपोज है तो एबे देख मु कौन करी नेक्स्ट कौन करी एटी फास्ट केस ने जो रियल नंबर ने से रियल नंबर जीरो रु छोट हो पारे मान से सी से जीरो रु छोट हो पारे किंबा जीरो रु बड़ हो पारे किंबा एक्जाक्टली जीरो हो पारे तो आमे एबे कौन करीबा तीनटा केस नहीं कि तीनटा केस रे प्रूफ करीबा जे फंक्शन कंटिन्यूअस अच्छी ताले लेस पाई जदि कंटिन्यूअस देखे देले लेस देन जीरो देन ग्रेटर देन जीरो पाई आउ जदि इक्वल टू जीरो सब केस रे जदि देखे देले दैट मीन्स से फंक्शन टोटल सब पॉइंट कौन हो कंटिन्यूअस हो
तापर आम कहीपर दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन ए सिंपल ठीक चलो करिबा बे तो एठी फर्स्ट मु ताले केस 1 रे कोन करू छी इफ सी इज लेस देन 0 हला तो एठी पुनी आमे कंटिन्यूअस देखेबा दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू सी f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c देखे देबा तो फर्स्ट आमे f ऑफ c केते हो फर्स्ट फाइंड करिबा तो f ऑफ c पाई देखो लेस देन 0 माने आमे फर्स्ट फंक्शन को यूज रे नबा दैट मींस केते हो माइनस c हला देन लिमिट लिमिट एठी आमे डायरेक्टली फाइंड करि परिबा बिकॉज़ एठी देखि परुचो लेस पाई गोटे फंक्शन ही यूज करिया को पड़िबो तो LHL RHL दरकार जोठी लेफ्ट और राइट पे अलगा अलगा फंक्शन यूज करिया को पड़िबो सी केस रे ले चला चल करिबा हला तो एठी जेतु गोटे फंक्शन यूज करिबा तो लिमिट x टेंड्स टू सी f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू सी f ऑफ x होची माइनस x हला तो सी हमें डायरेक्टली पुट करि परिबा बिकॉज़ दिस इज पॉलीनोमियल फंक्शन मु तमको कहितली से फार्मूला रे जदि पॉलीनोमियल फंक्शन हेतिबो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a हबो तो एठी केते लेखि परिबा दिस इक्वल टू माइनस c व्हिच इज नथिंग बट आवर f ऑफ c बुझियला ना ठीक ताहले आमे कोन पाइले फंक्शन ताहले कंटीन्यूअस पाइले को केस रे जेते सब रियल नंबर 0 रु छोट अछि हला नेक्स्ट केस 2 कोन करिबा केस 2 रे करिबा इफ c इज ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 रे फर्स्ट आमे f ऑफ c फाइंड करिबा f ऑफ c पई को फंक्शन यूज करिबा ग्रेटर माने सेकंड फंक्शन दैट मीन c देन लिमिट फाइंड करिबा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माने कोटा यूज करिबा सेकंड फंक्शन x व्हिच इज इक्वल टू c हला ठीक देन केस 3 ताले देखो c आसीला दैट इज आवर f ऑफ c माने कोन पाइले एई केस रे भी हमें पाइले फंक्शन कंटीन्यूअस हला दैट मींस एटा फर्स्ट केस रे सब रियल नंबर 0 रु छोटो हेले कंटीन्यूअस हला सेकंड केस रे सब रियल नंबर 0 रु बडो हेले कंटीन्यूअस हला एबे थर्ड केस रे कोन करिबा इफ x c इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 रे देखिबा दैट मींस फर्स्ट हमें f ऑफ 0 फाइंड करिबा तो f ऑफ 0 माने इफ सेकंड फंक्शन यूज करिबा दैट मींस 0 आ एठी देखो 0 रे हमरो लेफ्ट साइड गोटे फंक्शन काम करूची राइट साइड गोटे फंक्शन ताले एठी LHL RHL करिया को ही पड़िबा तो फर्स्ट हमें LHL करिबा तो 0 रे करूचू तो कोन लिखिबा c लिखिबानी डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू कोन लिखिबा 0 माइनस f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माने दैट इज माइनस h हला तो माइनस h माने पूरी x रु कोन 0 रु छोटो 0 माइनस h माने कोन दिस मींस लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h माने 0 रु छोटो तो 0 रु छोटो माने को फंक्शन यूज करिबा फर्स्ट फंक्शन ताले लिमिट s टेंड्स टू 0 एई x जारे केते पुट करबी माइनस h सामना रे गोटे माइनस होची ताले h ही जीवो आ लिमिट s टेंड्स टू 0 h रो वैल्यू केते आसीबो ठीक सेमिति आमे जदि RHL फाइंड करिबा से कोन होबो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h ठीक तो 0 प्लस h माने को फंक्शन सेकंड फंक्शन तो सेकंड फंक्शन यूज करले लिमिट s टेंड्स टू 0 0 प्लस h मींस h ताले h होबो व्हिच इज इक्वल टू 0 तो LHL RHL दीटा 0 आसीला दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 0 व्हिच इज नथिंग बट आवर f ऑफ 0 तो फंक्शन कोन आसीला 0 रे बी कंटीन्यूअस आसीला दैट मींस सबु रियल नंबर लेस देन 0 ता पई आसीला तापरे ग्रेटर पई आसीला आ इक्वल टू 0 पई भी आसीला तो हमें कहि परिबा हेंस f ऑफ x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन ठीक बुझियला क्लियर ठीक एमिति हमें इक्वेशन को करिबा तो तमे तो पई गोटे टास्क रहिला x माइनस 1 रो मोड कंटीन्यूअस देखिबो तो फर्स्ट x माइनस 1 रो मोड डेफिनेशन लिखिबो लिखियो बना नहीं बहुत इजी तो एठी देखो
जस्ट मोड एक्स एक्स जगह कौन कहली एक्स माइनस वन मोड तो एक्स माइनस वन मोड डेफिनेशन कौन हम मोड एक्स रो कौन होता माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो माइनस एक्स माइनस वन एक्स जगह जेहतु एक्स माइनस वन लिखाई तो एक्स माइनस वन लेस देन जीरो एंड खाली एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये कौन आस माइनस अफ एक्स माइनस वन एक्स लेस देन वन खाली एक्स माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन ताले दिस इज आवर डेफिनेशन कहार एक्स माइनस वन मोड पुनी नेक्स्ट कौन कर लेट एक्स बिलंगस टू आर नब है सरी एक्स इक्वल टू सी व्हिच इज बिलंगस टू आर पुनी तीन टा केस हम को केस हम गोटे सी लेस देन वन गोटे सी ग्रेटर देन वन आ गोटे सी इक्वल टू वन है करी हबो ना ठीक हाउ जदि क्वेश्चन पुनी दी थांता जे सो दैट मोड एक्स प्लस दिस इज कंटीन्यूअस ताहले तमे कोन करी थांतो एटी फर्स्ट ए फंक्शन को नै जीवो जी एक्स आ ए फंक्शन को नै जीवो एच एक्स देन जी एक्स एच एक्स को फर्स्ट कोन करिवो कंटीन्यूअस देखे दबो जेमिति आमे कले हैला तो जी एक्स कंटीन्यूअस आ एच एक्स कंटीन्यूअस हेले दीटा कंटीन्यूअस फंक्शन एड कले कोन हबो कंटीन्यूअस हला से ट्रिक को यूज करी परबा हला तो एमिति सिंपल क्वेश्चन एटा चलो नेक्स्ट देखिबा एबे आउ गोटे एग्जांपल जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट एग्जांपल से हला sin x एंड cos x इज कंटीन्यूअस फंक्शन हला प्रूफ बी क्वेश्चन क्वेश्चन होची लिखि दउची मु एठी तो जो जगह रे तुमको दरकार वीडियो पॉज करो वीडियो नोट नोट करके ताकू लेखो हला ठीक चलो बुझीबा दरकार बुझिले बहुत सिंपल किछि नै हैला आ जदि मने रखिबा ताले बहुत डिफिकल्ट तो एक्स सपोज क्वेश्चन मु लिखि दउ छी डायरेक्ट सो दैट sin x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन एटा कहिला तो केमति करिबा तो sin x इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन माने sin x को पूरा टोटल रियल नंबर पूरी कंटीन्यूअस देखेबाक पड़ो बिकज वी नो दैट sin x रो डोमेन होची आर हैला तो केमिति करबा फर्स्ट कोन करबी एठी देखो आंसर रे लेट f ऑफ x इक्वल टू मु नै जेबी sin x हैला देन मु कोन करबी लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r जे कोनोसी गोटे रियल नंबर हैला c एबे देखैबा ए c रे ई फंक्शन कंटीन्यूअस होची तो तापाई फास्ट आमे कोन करिबा एफ ऑफ सी बाहर करिबा जे कि साइन सी आसीबो तमे देखि पाछो हला देन लिमिट फाइंड करिबा तो लिमिट पाई कोन करिबा एठी एलएचएल आरएचएल करिबा खाली साइन एक्स पाई किछि फार्मूला नै तो केमति फाइंड करिबा एलएचएल देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच व्हिच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच कौन हम एफ एक्स साइन एक्स अच्छी एफ ऑफ सी माइनस एच साइन सी माइनस एच हम व्हिच इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एठी देखो एठी पिलाने भूल कौन करती एठी डायरेक्टली 0 पकई दियंती सेमती डायरेक्टली पकेबनी बिकज दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन जेहेतु ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अच्छी तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जदि एंगल किसी गोटे फंक्शन टाइप रही डायरेक्ट पुट करनी जदि सेपरेट होती पुट कले हम तो फास्ट आम ये कौन करवा साइन ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करवा जे कि कौन हम साइन सी इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच एति हम है देन आम या सेपरेट लिमिट यूज करपरिया तो लिमिट एस टेंस टू 0 साइन सी इंटू कॉस एच माइनस कॉस सी इंटू साइन एच ठीक एटी साइन सी आमर सामना को आसी जीवो बाकी कौन रहिब लिमिट एस टेंस टू 0 कॉस एच रहिब सेमिति एठी कॉस सी आमर आसी जीवो बाकी रहिब लिमिट एस टेंस टू 0 केते एटा एठी लिमिट एस टेंस टू 0 हैला कांस्टेंट आमर आकु आसी जीवो साइन एच एबे एस टेंस टू 0 कॉस एच रो वैल्यू कोन हबो कॉस 0 होची 1 ताहले यार वैल्यू 1 हबो तो एठी आमे पाइबा साइन सी आ साइन एच एस टेंस टू 0 हेले से 0 तो सेकंड टर्म आमर कोन होइजबो 0 होइजबो तो एलएचएल केते आसीला साइन सी हैला आरएचएल मु तमो पई छाडी दउची एठी मु एका एडजस्ट कर लेखि दउची तमे चाहू छै आकु नोट करि पारो तो आमर एलएचएल केते आसीला मन रखि दउ केते आसी साइन सी
तो आर एच एल होते कौन एक्सट्रा होता एटी प्लस एटी प्लस एटी प्लस एटी भी प्लस एटी भी प्लस एटी भी प्लस एटी साइन सी ला तो एल एच एल भी साइन सी आर एच एल भी साइन सी दैट मीन्स लिमिट एटी किसी केस करवा दरकार ना बिकज ये फंक्शन एमती स्प्लीट हुए दैट इज नॉट ए पीस वाइज फंक्शन जोटा स्प्लीट हुए से आम कौन करवा लेफ्ट राइट करवा है तो लिमिट एक्स टेन्स टू सी एफ अफ एक्स इक्वल टू साइन सी एंड हुई इज नथिंग बट आवर एफ अफ सी है फंक्शन कौन है जेकोसी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है जेकोसी रियल नंबर पर कंटिन्यूस है मैंने सब रियल नंबर पर कौन हो कंटिन्यूस दैट मीनस साइन एक्स इज ए लास्ट कौन लिखिपर हेन्स साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन बुझीगला ठीक तो सिमिलरली तुम कॉसेक्स भी प्रूव कर पार्ब ये खाली जो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी लगेली से कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी लगे पार ठीक अच्छे ए होची कंटिन्यूटी तो आउ जदि क्वेश्चन सपोज एग्जाम रे पड़ा तुम सो दैट साइन एक्स प्लस कॉसेक्स इज कंटिन्यूस केमती कर तो फास्ट कौन कर जि एक्स नहीं जाऊँ या एच एक्स नहीं जावा ताले जी एक्स को सेपरेटली कंटिन्यूस देखेद एच एक्स को सेपरेटली कंटिन्यूस देन सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन ए कंटिन्यूस फंक्शन क्लियर ठीक एमती आम करा तो ए हूँ कंटिन्यूटी मुझे चेष्टा कली तुमको जी कनसेप्ट शिखेब शिखेबापे तुम्हें क्वेश्चन एक्सरसाइज कर एक्सरसाइज सब क्वेश्चन भी करवा दरकार नहीं जो आमर अच्छी से तुम्हें जब भिड देख मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनई तुम देखिपर के दरकार से कर शिखिली कर ग्यारंटी दूँ तुम्हें ये चैप्टर भल कर ठीक अच्छे तो ये वीडियो रे इतनी रखा लास्ट में तुमको गोटे रिक्वेस्ट तुमको जब मो वीडियो भल लगुच वीडियो टी लाइक कर आगे चैनल को सब्सक्राइब कर आ बेल आइकन भी प्रेस कर ताले मुझे जी नुआ वीडियो अपलोड करी तुम पाखे नोटिफिकेशन पहुँची जब मु चेष्टा करुच्ची वीडियो जिते हे जल्दी बनवाई आ मु पूरा एफर्ट लगेबी जो तुम एग्जाम पूर्व मान फेब्रुआरी 20 पर्यंत 2025 पर्यंत मु सबुर वन शॉट वीडियो अपलोड कर देबी हैला तुमर तो मैथ एग्जाम पाई तो बहुत गैप भी अच्छी जदि बाय चांस कोटा अपलोड हेइ नथिबो ताले से गैप रे भी मु अपलोड कर देबी तुम पाई ठीक अच्छे तो रखी ए वीडियो रे एतिकी रखिबा थैंक यू।